इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लाख रुपए की भांग पकड़ी थी, लेकिन जहां एक और पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी जांच पड़ताल की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति को भांग के मामले में पुलिस ने पकड़ा था, वह आज पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा और अपनी शिकायत में बताया कि मल्हारगंज थाने पर पदस्थ पुलिस कर्मियों ने पैसे लेने के बावजूद उन पर कार्रवाई कर दी, जो कि झूठी है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले में जांच के बाद संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। मल्हारगंज थाना पुलिस ने पिछले दिनों कार्तिक यादव के खिलाफ भांग के मामले में कार्रवाई की थी। आज उसके परिजन पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और पूरे ही मामले में मल्हारगंज थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले में झूठी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं कार्तिक यादव के परिवार से जुड़े लव शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों मल्हारगंज पुलिस ने उनके दोस्त के बेटे कार्तिक यादव को पकड़ा और उनके पिता से 5 लाख रुपए की डिमांड की। जब पिता ने रुपए नहीं देने की बात कही तो झूठे भांग के केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद कार्तिक के पिता ने जैसे तैसे कर तकरीबन 2.5 लाख रुपए लोगों से उधार लिए और पुलिस कर्मियों को दिए। इसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने उनके बेटे कार्तिक यादव के खिलाफ झूठी भांग की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। साथ ही थाने के अंदर बंद कार्तिक यादव को पिता के द्वारा 5 लाख रुपए नहीं देने की बात को लेकर कार्तिक यादव के साथ पुलिसकर्मी अनिल चतुर्वेदी उर्फ गोल्डन मैन एवं राघवेंद्र सिंह भदौरिया नामक पुलिसकर्मी ने मारपीट की। बता दें, राघवेंद्र सिंह फरियादी के परिचित लव शर्मा को गाड़ी में बैठाकर थाने से कुछ दूर लेकर गया और वहां पर पैसे लिए। इस दौरान लव शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया, जिसमें वह खुद राघवेंद्र सिंह भदौरिया की गाड़ी में बैठकर थाने से कुछ दूरी पर गए। इस दौरान लव शर्मा ने अपने हाथ में काली थैली रखी, जिसमें पैसे होना बताए जा रहे हैं। वह थैली पुलिसकर्मी की गाड़ी में रखते हुए लव शर्मा नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का कहना है कि फरियादी ने पूरे मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत की है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया है, उसके आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्रारंभिक तौर पर दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये मेरे दोस्त के बालक हैं कार्तिक यादव, इनको एक कुछ ही दिनों पहले एक भंग का प्रकरण दर्ज करा, झूठा प्रकरण दर्ज करके इनको थाने में बिठा लिया गया था और इन पर दबाव गया बनाया गया और मारा पीटा गया और जबरदस्ती इनसे साइन कराने का बोला गया और अगर यह बोला गया कि हम तुम्हें प्रकरण नहीं बनाएंगे तुम पैसे लिया 5 लाख रुपये पर कैसे तैसे इन्होंने फिर 2.5 लाख पे उन्हें वो माने और 2.5 लाख रुपए हम रिश्वत देना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे से दबाव मंगा के बनना के रिश्वत मंगी 2.5 लाख की। मारपीट कर रहे थे इनके साथ? हाँ, कार्तिक के साथ मारपीट कर। कार्तिक का फोन आया था उनके पापा के पास, क्या फोन आया था कि पापा वो मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा आप 5 लाख रुपए दे दो, मार रहे थे और जबरदस्ती दबाव बनाया, पैसे देना नहीं चाहते थे फिर भी दबाव बना के पैसे मंगाए गए। हाँ, उनके पापा का फोन मेरे पास आया, फिर मैं पैसे लेके गया थाने में। अनिल चतुर्वेदी ने बोला कि राघवेंद्र सिंह भदौरिया के साथ आप बैठ के जाओ और मैं गया जस्ट तो गई टेलर इतवारिया बाजार में, वहाँ पे मैंने फुटेज भी निकला है, फुटेज के अंदर पैसे देते हुए मैं दिख रहा हूँ और उन्होंने पैसे लिए और उनकी गाड़ी पे ही मेरे को बिठा के लेके गया था। हाँ, इनको प्रकरण दर्ज करा, उसमें अभी शिकायतकर्ता ने तथाकथित एक वीडियो भी सबमिट किया है, उसका परीक्षण करवा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Thank you.